बिहार सरकार का वार्षिक बजट आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पेश होने वाले बजट के आकार में 10% इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकेश्वर प्रसाद आज राज्य सरकार का बजट पेश करेंगे। दोपहर बाद सदन में बजट रखा जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग पहले ही सभी तैयारियां पूरी कर चुका है। वित्त मंत्री के तौर पर तारकेश्वर प्रसाद का यह दूसरा बजट होगा। राज्य के वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2.5% आर्थिक विकास दर होने से आगामी वार्षिक बजट आकार में बढ़ोतरी होगी। वहीं भारत सरकार से केंद्रीय राजस्व के अंतरण में बढ़ोतरी होने से भी राज्य का बजट आकार बढ़ेगा। केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ने के अतिरिक्त कर्ज लेने की सीमा 4% होने व आर्थिक गतिविधियों के तेज होने से आंतरिक स्रोतों से होने वाली आय के आधार पर बजट आकार में बढ़ोतरी हो सकती है। बिहार के बजट में तकनीकी शिक्षा के विकास, कौशल विकास, रोजगार सृजन पर जोर दिए जाने की उम्मीद है। आईटीआई और पॉलिटेक्निक को एक साथ कर नए विभाग की घोषणा को लेकर बजटीय प्रावधान किए जाएंगे। वहीं पॉलिटेक्निक कॉलेजों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किए जाने को लेकर राशि का प्रबंध किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में हर चौराहे पर स्ट्रीट लाइट लगाने को लेकर बजट में राशि उपलब्ध कराई जा सकती है। इस योजना को 1 अप्रैल से लागू किया जाना है। 7 निश्चय के तहत नल जल योजना को लेकर अनुरक्षण नीति बनाई गई है और इसके लिए भी बजट में व्यवस्था किए जाने की उम्मीद है। आगामी बजट में आधारभूत संरचना के विकास एवं रोजगार सृजन और कोरोना के कारण पिछले 2 सालों में स्थिर रही आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए उद्यमिता विकास और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर जोर दिए जाने की उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण में वित्तीय वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के आधार पर कोरोना काल में भी राज्य में आर्थिक गतिविधियों के जारी रहने और राज्य सरकार के प्रयासों से अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति बने रहने को लेकर जानकारी दी गई है। आपको बताते चले कि बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले प्रश्नोत्तर काल लिए जाएंगे। 1 घंटे तक के चलने वाले प्रश्नोत्तर काल में अल्पसूचित प्रश्न और तारांकित सवालों पर सरकार का जवाब आएगा। इसके बाद शून्यकाल की कार्यवाही शुरू होगी। शून्यकाल में सदन के सदस्यों की तरफ से तत्कालिक मुद्दे उठाए जाएंगे। शून्यकाल का आज के बाद 2 ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर सरकार का जवाब होगा। शिक्षा विभाग से जुड़ी ध्यानाकर्षण सूचना पर विधानसभा सदस्य मनोज मंजिल, अजीत कुमार सिंह समेत 4 अन्य विधायकों की तरफ से सरकार से जवाब मांगा गया है, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़ी ध्यानाकर्षण सूचना पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा, छत्रपति यादव समेत 3 अन्य विधायकों की तरफ से सरकार से जवाब मांगा गया है। उसके बाद विधानसभा के पटल पर अलग अलग समितियों की रिपोर्ट रखी जाएगी। भोजन अवकाश के बाद दोपहर 2 बजे जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी तो सदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सदन में सरकार का बजट रखेंगे। बजट के बाद विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी।